पति ने पत्नी पर लगाया अपने माता पिता के साथ घर से रुपए चुराकर ले जाने का आरोप। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं RBS7 लाइव न्यूज चैनल। पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। नाम आपका? कहां पर रहते हो? स्टेशन बाजार 7 बार। क्या मामला है? मैं गाड़ी लेके गया था, सुबह 5 बजे निकल गया था। ठीक है, उसके बाद में घर आता हूँ 10-11 बजे के टाइम आता हूँ। मैं आऊँ आज 11:30-11 बजे के टाइम, तो मेरे बच्चे घर पे नहीं थे। मेरा लड़का गया था स्कूल और जो पैसे थे वो कुएं वो पैसे निकाल के ले गई 15,000 रुपये, और जो मालजे पर था वो ले गई। कौन ले गई? बीवी हमारी। बीवी ले गई आपकी? क्या नाम आपकी बीवी का? सोनी। कहाँ रहती हैं वो? फरीदपुर। करीबन 13 साल हो गई शादी को, और 13 सालों से वो जब भी इसकी माँ बाप आते हैं पीठ पीछे चुपचाप आते हैं, पैसे जो इकट्ठे करती है वो ले अपने माँ बाप को दे देती है। 5,000 जो भी हो जाए इकट्ठे को दे देती है अपने माँ बाप को, और मेरे पीठ पीछे आज उसने फिर गद्दारी करी है मेरे साथ में। 5-6 साल से गई नहीं, 5-6 साल से घर से गई नहीं थी, और आज क्या मूड में आई वो अपने यहाँ पे चली गई। रात ऐसा मामला था, परसों का मामला आई, परसों मैंने 2-3 झापड़ मार दिए, इसने पैसे चुराए थे, तो मेरा लड़का भी इसका गवाह है। यहाँ से किसके साथ गई है? ये इसका भाई और इसके बाबा बाप आए थे, वो मौर्या के यहाँ पे रुके थे, उनके बाप भी आए थे 14 से।